जैसे ये वीडियो आप देख रहे होंगे और आप जो है टॉपिक समझ गए होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अब आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफलाइन बंद हो चुका है। तो आप बोलेंगे मैं तो पीएफ पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन कैसे जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट सबमिट करूँ, जो कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए मैं वीडियो जो है कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत से लोग जब हमसे कंसल्टेशन लेते हैं तो हम उनके साथ बात करते हैं, या कोई नॉर्मल व्हाट्सअप करता है तो उसको भी हम रिवर्ट करते हैं। तो आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये पेड कंसल्टेशन फ़ी है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए करेक्शंस होते हैं कि पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था है ना, ऑनलाइन नहीं होता था। लेकिन पीएफ ऑफिस ने हाल फिलहाल ही जैसे कि ऑनलाइन मैनेजमेंट जॉइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन दी है, ताकि आप जो है ऑनलाइन करेक्शन कर सके, आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर ना जो है काटना पड़े। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं तो पीएफ पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करूँगा, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपनी रिस्पेक्टिव कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि मैंने करेक्शन के रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट किया हूँ, तो प्लीज़ इसको अप्रूव कर दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जो है अटैच किया हूँ तो वो भी देख लीजिए। और मेरा आप जो है आपको क्या करना है सॉरी मैं थोड़ा सा अलग बता दिया, आपको ये करना है कि आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है और कंपनी को बोलना है कि आप मेरे बिहाफ पे एम्प्लॉयर पोर्टल में, जो कंपनी का पोर्टल होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको एक उसका पोर्टल का एक पोर्टल दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ से वहाँ लॉगिन करेंगे और उसके बाद फिर जो है आपका करेक्शन के रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। सॉरी मैं कुछ अलग डाल दिया वहाँ पे। ओके, एम्प्लॉयर पोर्टल पीएफ करके सर्च करेंगे तो आपको ये पोर्टल आएगा। आप नहीं लॉगिन कर पाएंगे, ये एम्प्लॉयर के पास एक्सेस होता है, कंपनी के पास एक्सेस होता है, वो चेक करते हैं। थोड़ा सा लोड हो रहा है, वेबसाइट स्लो हो गया, मेरा कनेक्टिविटी स्लो है। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बता दिया मैंने। आप यहाँ पे एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, सीधा पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया, डायरेक्टली रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस के पास जाएगी और वो जैसे करेक्शन कर देंगे, आप लॉगिन कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको जो है बहुत प्रैक्टिकल बात बताया हो, मैंने अभी तक शायद कोई बताया ना हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।